किंडरगार्टन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे व्यंजन द। द से दस, द से दरवाजा। द से बनने वाले अन्य शब्द देखिए, द से दमकल, द से दलदल। चलो लिखना सीखें द। अपनी पेंसिल को सेकंड लाइन पे रखिए और एक छोटा सा वन बनाइए, फिर इसको ऐसे घुमाते हुए ऐसे, ये बन गया द ऊपर स्लीपिंग लाइन। फिर से देखिए, पहले छोटा सा वन बनाइए, उसको ऐसे घुमाइए ऐसे ऐसे ऊपर स्लीपिंग लाइन, ये बन गया द। अगला व्यंजन है ध। ध से धनुष, ध से धन। ध से बनने वाले अन्य शब्द देखिए, ध से धड़कन, ध से धनक। चलो लिखना सीखें ध। पेंसिल को सेकंड लाइन पे रखिए और एक स्मॉल सा सर्कल बनाइए और उसको ऐसे घुमाइए, यहाँ से फिर उसको घुमाते हुए यहाँ लेके जाइए, फिर एक सीधी लाइन, एक स्लीपिंग लाइन, ये बन गया ध। फिर से देखिए ध, पहले हमने ये स्मॉल सा सर्कल बनाना है, यहाँ तक लेके जाना है, फिर से एक घुमाते हुए यहाँ लेके जाइए, सीधी लाइन लगाइए, ये बन गया ध। अगला व्यंजन है न। न से बनने वाले शब्द देखिए, न से नल, न से नयन। न से बनने वाले अन्य शब्द, न से नग, न से नटखट। चलो लिखना सीखते हैं न। सेकेंड लाइन पर पेंसिल रखकर एक सीधी लाइन बनाइए, फिर थर्ड लाइन से थोड़ा सा ऊपर पेंसिल रखें, ऐसे लाइन बनाते हुए नीचे ले जाएं और घुमाते हुए यहाँ इसको मिला दें, ऊपर लाइन लगाएं, ये बन गया न। फिर से देखिए न, पहले हमने एक सीधी लाइन लगानी है, ये थर्ड लाइन से थोड़ा सा ऊपर पेंसिल रखनी है, उसको सीधी लाइन लगाते हुए थोड़ा सा घुमाइए नीचे और फिर इसको यहाँ तक मिलाइए, ऊपर लाइन, ये बन गया न। आज हमने द, ध और न तीन व्यंजन सीखे हैं, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है।